न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अन्ना हजारे ने जो दो बातें रखी है उस पर हम आज गौर करना चाहेंगे। अन्ना हजारे चाहते हैं चुनाव में दो परिवर्तन। अन्ना की दो मांग है चुनाव को लेकर। एक मांग यह है कि जब भी चुनाव हो उसमें राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए। जितने भी उम्मीदवार हैं सबके सब अगर अच्छे नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, प्रजा के सही प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं रखते हैं, क्रिमिनल है, तो जनता उसे रिजेक्ट कर सके। कई सालों से राजनीति का जो क्रिमिनल्स की भर्ती हो रही है, इतने सारे क्रिमिनल्स राजनीति में आ रहे हैं, उसे दूर रखने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं हो रहा है। सभी पार्टी कहती है कि राजनीति में जो पक्ष सत्ता पे होता है वो विरोध पक्ष के नेताओं पर गलत आरोप लगा के केस दाखिल कर देते हैं, और अगर ये स्टैंडर्ड बना लिया जाए कि जिस पर चार्जशीट है वो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो विरोध पक्ष के सभी अच्छे बड़े नेताओं पे चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। तो अभी जो कानून है उसके हिसाब से जब तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट में सजा न हो जाए आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब अन्ना चाहते हैं कि जनता को ये राइट दिया जाए कि सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दें और फिर से चुनाव हो। तो सबसे पहले अन्ना की यही मांग पर हम विचार करें कि क्या ये मांग सही है। अगर अन्ना की मांग स्वीकार की कर लेते हैं तो क्या हालात होंगे वो पहले सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर अन्ना की ये बात का अमल शुरू हो जाता है तो मुझे कहने दो कि कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, बोडोलैंड आदि कई राज्य है जहां कभी चुनाव संपन्न ही नहीं होंगे। भारत में 4-5-6 राज्य ऐसे हैं, कश्मीर, जहां चुनाव संपन्न ही नहीं होंगे। आज चुनाव होते हैं, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से आपको अपना नुमाइंदा पसंद करना है, तो किसी एक को तो जो मतदान करने जाता है वो किसी एक को तो चुन के ले आता है। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी ने आसाम में चुनाव करवाया था पूरी जनता खिलाफ थी, वहां बड़ा आंदोलन छिड़ा था, बांग्लादेशी जो घुस गए थे आसाम में उसके खिलाफ, और वहां की जो जनता थी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और कई सीटें ऐसी थी जिस पर 200, 500, 600 मत लेकर सिर्फ 600 मत वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया, वहां सरकार बनी, लोकशाही वाली सरकार बनी, और धीरे धीरे फिर आसाम की गाड़ी पटरी पे आ गई। मर चुनाव हुआ 200-400 मत लेके भी लोग चुने गए। अगर अन्ना की बात का स्वीकार करते हैं तो कश्मीर में आज जो त्रासवादी जो चुनाव भी नहीं लड़ते, जो अलगाववादी तत्व है वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं,
तो अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ते हैं उसमें से सरकार बनती है, वो सरकार अपना कारोबार करती है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। अगर मान लो कि राइट टू रिजेक्ट आ गया और कश्मीर में बहुत बहुत सारी सीटें बिल्कुल खाली रह गई, 1/3 या 50% सीट जो है वो बिल्कुल खाली रह गई, सबने रिजेक्ट कर दिया, और त्रासवादियों के लिए ये बात बिल्कुल सरल हो जाएगी कि वो दबाव डाले लोगों पर कि आप राइट टू रिजेक्ट ही करें, आप सबको रिजेक्ट कर दें। अगर कश्मीर में चुनाव हो, वहां राइट टू रिजेक्ट हो और वहां 1/3, 2/3 या 50% सीट पर जो भी उम्मीदवार है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया ये कहेंगी कि कश्मीर में रेफरेंडम हो गया, भारतीय सरकार के जो नुमाइंदे थे, भारत के जो नुमाइंदे थे, उनको वहां की प्रजा ने रिजेक्ट कर दिया, अब वहां प्लेबिसाइड हो कि कश्मीर में कश्मीर भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या हालत होगी इस देश की? जो नक्सल प्रभावी विस्तार है वहां भी नक्सलवादी किसी को चुनाव जीतने ही नहीं देंगे, राइट टू रिजेक्ट करवा देंगे, तो क्या हालत होगी? 5-15 सीट पे कभी कोई उम्मीदवार जीत ही नहीं पाएगा, तो हम दुनिया में क्या बात करेंगे, क्या डिफेंस करेंगे, क्या बचाव करेंगे अपना? नागालैंड में आज मैं लिख के दे देता हूं, नागालैंड भारत के साथ है, उसकी एक ही वजह है कि हमारा लश्कर वहां पड़ा हुआ है। नागालैंड में आज राइट टू रिजेक्ट के साथ चुनाव करके देख लो, बहुत छोटा सा राज है, बहुत कम बस्ती है, वहां राइट टू रिजेक्ट के साथ चुनाव करा के देख ले तो नागालैंड अपने हाथ से निकल जाएगा। तो पहली बात है कि ये बिल्कुल अन्ना की बात लगती तो है कि उनको बड़ा देश प्रेम है, वो लोकशाही के बड़े चाहक है, बात ये लगती है कि लोग इससे देश का बहुत भला हो जाएगा, हम क्रिमिनलों को विधानसभा में लोकसभा में आते हुए रोक पाएंगे। मगर अन्ना ने और उनकी टीम ने ये सोचा कि ये जो 5-6 राज्य है वहां क्या हालत होगी? गुजरात में अगर काठियावाड़ सौराष्ट्र के लोगों ने कहा हमें अलग राज दे दो, अगर नहीं दोगे हम राइट टू रिजेक्ट करेंगे, हम चुनाव नहीं होने देंगे। तेलंगाना में अभी कोई भी किसी भी पक्ष का कोई नुमाइंदा तो चुन के आता है, अगर अलग तेलंगाना नहीं दिया गया और राइट टू रिजेक्ट दिया गया तो ये बात समझ लो कि तेलंगाना की जितनी भी विधानसभा लोकसभा की सीट है वो खाली की खाली रह जाएगी, वहां से किसी को कोई चुन के नहीं आ सकता। तो क्रिमिनल्स विधानसभा लोकसभा में ना आए उसका उपाय होना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं, मगर उसका उपाय ये तो नहीं हो कि कश्मीर में हम हार गए, नागालैंड हमसे अलग हो जाए, बहुत सारे विस्तार में कभी चुनाव ही नहीं हो, वो क्या हालत हो? अगर आज नक्सलवादी जो विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार नक्सलवादियों के प्रभाव में है, आज वहां से कोई कम मत ज्यादा मत लेके वहां प्रजा का एक चुना हुआ प्रतिनिधि तो है, अगर कई विस्तारों में 10 साल 15 साल तक आप चुनाव करवाते रहे और वहां कोई राइट टू रिजेक्ट में वो रिजेक्ट ही होते रहे, अच्छे उम्मीदवार रिजेक्ट होते हुए रहे, तो क्या होगा? तो ये खतरा है कि ये देश को विभाजित कर देगा, दुनिया में हमारी बेइज्जती करवाएगा। तो ये पहला मुद्दा था मेरा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बड़ा गौर करें आप इस बात पे, अहमदाबाद में से लतीफ नाम का एक क्रिमिनल कॉरपोरेशन के चुनाव में 5 मत विस्तार में खड़ा हुआ और 5ों मत विस्तार में थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत गया। कई क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बैठे रहते हैं और
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वो जेल से चुनाव जीत लेते हैं। अब राइट टू रिकॉल भी दिया है आपने, तो होगा क्या? पहली बात ये समझ ले कि कोई भी मत विस्तार में 10, 12, 15 उम्मीदवार तो अपने यहां हो ही जाते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं, हो सकता है दो बड़ी पार्टियों ने दो बड़े गुंडे खड़े कर दिए, अब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पार्टियां हैं जिन्होंने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब लोगों को कौन कहता है कि दो गुंडों में से एक को जिताओ या एक ही गुंडा खड़ा होता है उसे ही जिताओ, बाकी के 10-12 उम्मीदवार हैं। अगर राइट टू रिजेक्ट हो जाने के बाद भी ये गुंडे चुने जाते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? फिर गुंडे कहेंगे कि भाई हम चुनाव तो जीतते ही थे मगर लोगों ने हमको राइट टू रिजेक्ट में रिजेक्ट भी नहीं किया, तो आप भी एक्सेप्ट कर लो अन्ना जी हमें। और मैं तो कहता हूं बड़ा खतरा है, इस बात बड़ी ध्यान से समझे, जो गुंडे हैं, जो एंटी सोशल है, उनका नेटवर्क जो है वो बड़ा भारी होता है और ज्यादातर ज्ञाति बेस होता है, उनकी कास्ट जो है वो वहां इतनी बड़ी तादाद में होती है कि वो कास्ट के लिए, वो समाज के लिए वो आदमी कैसा है वो कोई मायना ही नहीं रखता। तो राइट टू रिजेक्ट देने के बाद यकीन करना जहां 8-10 उम्मीदवार अच्छे खड़े हैं, कोई भी क्रिमिनल नहीं है, फिर भी वहां राइट टू रिजेक्ट में चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, सब बोलेंगे ये 10-10 खराब है, अप टू द मार्क तो नहीं है। क्योंकि जो बुद्धिशाली है, जो पढ़े लिखे हैं, वो हर कोई पे संशय करेंगे, अच्छे लोग जो है वो किसी को अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद अन्ना की हालत देखो, वो दुनिया में अपने सिवाय और अपनी टीम के सिवाय किसी को अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जहां सब अच्छे उम्मीदवार खड़े होंगे या गुंडों के साथ अच्छे उम्मीदवार भी है तो भी लोग गुंडों को चुन लेंगे, और जहां सिर्फ अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं हो सकता है कि अप टू द मार्क न भी हो तो वो उम्मीदवार राइट टू रिजेक्ट में वहां चुनाव फेल हो जाएगा। गुंडों को जो मानने वाले लोग हैं, एंटी सोशल को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उनके क्राइम के सामने उनके क्राइम देखते ही नहीं है, उनके लिए तो वो मसीहा है, उनके लिए वो देवदूत है। तो राइट टू रिजेक्ट में ऐसा होगा कि बहुत सारे गुंडे जो आज चुनाव जीत लेते हैं वो तो जीत ही लेंगे, और बहुत सारी अच्छे उम्मीदवारों के बीच में राइट टू रिजेक्ट हो जाएगा, वहां चुनाव नहीं हो पाएंगे, आपको बार बार चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये दूसरी हालत है। और मैं ये कहना चाहता हूं अन्ना जी से कि जब लोगों के पास बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से वो किसी को भी चुन सकते हैं, फिर भी वो अच्छे उम्मीदवारों को नहीं चुनते, जो पैसा नहीं देते, दारू नहीं पिलाते, जो ज्ञातिवाद पे आधारित उम्मीदवार नहीं है या अपने पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, उनको वो वोट नहीं देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी मत विस्तार ऐसा है जहां 10-8 उम्मीदवार जो है वो एंटी सोशल खड़े हैं। तो प्रजा को आज भी गुंडे मवाली को रिजेक्ट करने का अधिकार है, वो दूसरे कोई भी अच्छे उम्मीदवार को जिता सकते हैं, मगर वो नहीं जिताते। तो राइट टू रिजेक्ट आने के बाद भी वो गुंडों को जिताएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स को जिताएंगे। तो ये एक बात है कि राइट टू रिजेक्ट जो अन्ना की बात है वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनका अमल करने से मेरी दृष्टि से देश का अच्छा नहीं होगा और बुरा होगा। इस इतने बड़े देश में एक लोकसभा या विधानसभा का फिर से चुनाव करवाना, वो भी लाखों करोड़ों की बात होती है,
पूरे दिन के लिए छुट्टी देनी पड़ती है वो विस्तार में। अगर एक लोकसभा का चुनाव हो और 50 सीट पे राइट टू रिजेक्ट में उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए, अब 50 लोकसभा की लोकसभा की सीट का फिर से चुनाव करवाना बड़ी मुश्किल बात बन जाएगी। और बार बार जहां राइट टू रिजेक्ट होता ही रहा वहां क्या करेंगे आप? तो ये मेरी दृष्टि से अन्ना का जो पहला सुझाव है वो बराबर नहीं है। और दूसरा सुझाव जो अन्ना का है कि आप राइट टू रिकॉल आप वापस बुला सकते हो। कोई उम्मीदवार है, अच्छा है, चुन लिया गया विधानसभा लोकसभा में, वो बैठ गया और 2-3 साल देख रहे कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने मत विस्तार में आता नहीं है, वो लोगों के प्रश्नों का कोई सॉल्यूशन नहीं लाता, निराकरण नहीं करता, आप उसे वापस बुला लें, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल ये अन्ना की पहली बात पे थोड़ा विचार भी कर लिया जाए, हर्ज नहीं है, मगर राइट टू रिकॉल वाली जो बात है वो बिल्कुल रिजेक्ट करने वाली बात है। मैं तो रिजेक्ट करता हूं कि आप राइट टू रिकॉल नहीं दे सकते, आप उसे वापस बुलाने का अधिकार मतदारों को नहीं दे सकते। एक पहली बात है कि यहां 125 करोड़ की बस्ती है, 125 करोड़ की जनता है, इतना बड़ा भारत है। और मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आप सहमत हो जाएंगे कि राइट टू रिकॉल नहीं हो सकता। अब एक उदाहरण के तौर पर एक मत विस्तार ले ले जहां बहुमत जो है वो मुसलमानों का है, उदाहरण दे रहा हूं, कोई क्रिश्चियनों का भी हो सकता है, हिंदुओं का भी हो सकता है। अब मुस्लिम बहुमती वाले विस्तार में 3-5 मुस्लिम उम्मीदवार भिड़ गए, सब पक्षों ने बड़े बड़े पक्षों ने भी अच्छे अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए और एक बड़े पक्ष ने एक हिंदू उम्मीदवार खड़ा किया। अब मुसलमानों का मत जो है वो बट गया और हिंदू उम्मीदवार जीत गया, या उससे उल्टा भी हो सकता है, हिंदू मत विस्तार में कोई मुसलमान जीत गया जहां बहुमती हिंदुओं की है, वो उम्मीदवार मुसलमान जीत गया क्योंकि हिंदुओं के वोट बट गए। अब इस स्थिति में अब कौन करे, होगा क्या? मुसलमान बट गए थे 5 उम्मीदवारों के बीच में, हिंदू बट गए थे 10 उम्मीदवारों के बीच में, और मुस्लिम या हिंदू उम्मीदवार चुन लिया गया था। मगर एक बात पे तो ये सब अड़े हुए हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हिंदू ही करेगा या हमारा प्रतिनिधित्व मुसलमान ही करेगा, हमारी बहुमती है। अब वो जीता हुआ उम्मीदवार लोकसभा में जाके सौगंध लेता है, कोई 10 दिन 15 दिन लगते हैं, 20 दिन, ये 20 दिन में वो पांचों हिंदू उम्मीदवार इकट्ठे होके या पांचों मुस्लिम उम्मीदवार इकट्ठे होके विज्ञापन बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि हमें इसे वापस बुलाना है, वी वॉन्ट हिम बैक, और इस पर सब सम्मत है, सामने सामने लड़ने वाले सम्मत है कि वो तो नहीं चलेगा। अब वहां सिग्नेचर लेने निकले हैं, कौन ना कहेगा, जो जिसको भी बोलोगे वो साइन करते जा रहा है। 15-20 दिन में 2-3 लाख साइन लेके इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए कि भाई ये जो उम्मीदवार है वो सौगंध ही नहीं लेगा क्योंकि हम उसको वापस बुला रहे हैं। ये देश में 2-3-4 लाख सही इकट्ठा करना, सिग्नेचर इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। अब सिग्नेचर हो गई, इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन हो गई, अब इलेक्शन कमीशन वो जीते हुए उम्मीदवार को एक नोटिस निकालता है, बोलते हैं कि आपके खिलाफ 2 लाख सिग्नेचर हमारे पास आई है जिसकी प्रति हम आपको देते हैं, 1 महीने में आपको जवाब देना है। अब 1 महीने में ये जीता हुआ उम्मीदवार जिन्होंने साइन दी है वही नागरिकों के, वही जनता की सामने कॉपियां पेश करेगा कि हमने इसमें साइन नहीं किए या गलत तरीके से हमारी साइन ली गई है। अब वो बोलेगा कि से कम 1.5 लाख साइन चाहिए, मगर इसमें से 80,000 लोग तो ना कहते हैं कि हमने साइन नहीं की। अब जहां दस्तावेज में या विल में 1 या 2 साइन की वेरिफिकेशन कराने का जो केस है,
वो सालों चलता है। अब 1,00,000 साई का वेरिफिकेशन कैसे कर पाओगे? आमने सामने सोगननामे होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, 100-100, 200-200 मत विस्तार से एप्लीकेशन आते ही रहेगी। एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये राइट टू रिकॉल में नहीं आता है, उसे आप वापस नहीं बुला सकते, हम अर्जी खारिज करते, तीसरे दिन दूसरी अर्जी आ जाएगी। अब सरकार जो बनती है आजकल, वो 2-4-5 बहुमत से बनती है। अब सरकार जो मोर्चे ने सरकार बनाई है उसके 50 उम्मीदवारों के सामने एप्लीकेशन पेंडिंग है। न सरकार स्थिर रह पाएगी, न कोई उम्मीदवार स्थिर रह पाएगा, केओस हो जाएगा, एनार्की हो जाएगी, पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। तो अन्ना की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स वाली दोनों ही बात है, वो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, लोकशाही के हित में नहीं है। तो अन्ना भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार निर्मूलन की बात करें, अच्छी है, मगर अन्ना के जो चुनाव के सुधार है, मैं समझता हूं वो देश के हित में कतई नहीं है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।